वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। हम आज और फिल्म टॉक के बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी का फिल्मों स्टडी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 229 को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस महीने रिलीज होने जा रहे कुछ टीजर्स और ट्रेलर से। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि इस महीने जो है सलार का टीजर जो है रिलीज होने जा रहा है, साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट के का भी जो है कोई अनाउंसमेंट या फिर अपडेट देखने को मिल जाएगा। बट इसके अलावा अगर आपको बताएं तो कल यानी कि 2 जुलाई को जो है दो अपकमिंग फिल्मों के टीजर्स और ट्रेलर्स रिलीज होने जा रहे हैं, जहां पर इस लिस्ट में जो सबसे पहली फिल्म है वो है शिवा कार्तिकेयन की अपकमिंग फिल्म यानी कि महावीरन। इस फिल्म का जो है कल ट्रेलर रिलीज करवाया जाएगा। ये फिल्म इसी महीने की 14 तारीख को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, तमिल और तेलुगु दो ही भाषाओं में। इसके अलावा कल जो है हमें किच्चा सुदीप की अपकमिंग फिल्म या फिर कहें किच्चा 46 का जो है अनाउंसमेंट टीजर जो है देखने को मिलने जा रहा है। इस बार किच्चा सुदीप एक नए डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं, तमिल डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि थ्रिलर फिल्म के साथ आ रहे हैं। तो देखते हैं इन दोनों ही फिल्मों का जो प्रमोशनल कंटेंट है कल के दिन कितना धमाका मचाता है पूरे सोशल मीडिया पर। वैसे आप दोनों में से कौन सी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के क्लिप डेट की तरफ और बात कर लेते हैं रिलीज हो चुके कुछ टीजर्स और ट्रेलर्स के बारे में, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं दुलकर सलमान की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म यानी कि किंग ऑफ कोता के बारे में। तो 28 तारीख को इस फिल्म के टीजर को जो है रिलीज किया गया था, जहां पर टीजर को देखने के बाद कह सकते हैं कि टीजर के अंदर नजर आ रही दमदार सिनेमेटोग्राफी, कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक और दुलकर सलमान का मासी अवतार कहीं ना कहीं इस टीजर को एक प्रॉमिसिंग टीजर बनाने में कामयाब होता है। बट ऑनेस्टली कहूं तो क्योंकि मैं काफी लंबे समय से जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से ही इस फिल्म को काफी फॉलो कर रहा हूं, शूटिंग से लेकर जो सब भी फिल्म से अपडेट आते रहते हैं हर एक चीज को फॉलो कर रहा हूं। तो काफी कुछ सुना हुआ था मैंने इस फिल्म के बारे में, फिल्म के एक्शन के बारे में, तो काफी हाई एक्सपेक्टेशंस थी मेरे इस टीजर से। तो वो कह सकता हूं कि वो जो एक वाव फैक्टर था ना, वो मुझे टीजर के अंदर से थोड़ा सा मिसिंग नजर आया। हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा गैंगस्टर ड्रामा फिल्म हमने जो है रिसेंटली देखी हुई है, तो इस कारण से जो है वो ऐसा कुछ फील जो है देने में थोड़ा सा ये टीजर मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा चूक जाता है। अदरवाइज कह सकते हैं कि डेफिनेटली टीजर से फिल्म जो है टेक्निकली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। उम्मीद करता हूं कि इसका ट्रेलर जब आए तो धमाकेदार ट्रेलर साबित हो। वैसे फिल्म जो है ओनम पर रिलीज होने जा रही है तो जल्दी इसका ट्रेलर भी आ ही जाएगा। वैसे आपको पर्सनली टीजर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा पवन कल्याण और साई धर्म तेज की अपकमिंग फिल्म यानी कि ब्रो का भी जो है टीजर रिलीज किया गया है। और ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि ये फिल्म एक रीमेक फिल्म है, तमिल फिल्म विनोदिया सित्तम का ये जो है ऑफिशियल तेलुगु रीमेक है। तो मैंने ओरिजिनल देखा हुआ था और ओरिजिनल देखने के बाद मुझे लगा था कि हाँ, वहां पर जो सब चीजें थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी वो मुझे इस फिल्म के अंदर बेटर नजर आ सकती थी। काइंड ऑफ ये फिल्म ऐसी बन सकती थी कि बेटर देन ओरिजिनल बनने का एक जो पोटेंशियल है वो ये फिल्म रखती थी। बट ऑनेस्टली कहूं तो टीजर को देखने के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट ही हुआ, क्योंकि टीजर के अंदर अगर देखा जाए तो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि जो बहुत ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब हो पाती होगी। सबसे ज्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू ने, जहां पर फिल्म के अंदर पवन कल्याण और साई धर्म तेज जैसे पॉपुलर एक्टर्स हैं, पवन कल्याण है जिस फिल्म के अंदर, उस फिल्म के मैक्सिमम सीन्स या फिर कहें टीजर के मैक्सिमम शॉट्स के अंदर अगर आपको ग्रीन स्क्रीन वाली फील आ रही हो तो कैसा लगेगा, क्योंकि वैसी ही सब चीजें जो है मैंने तमिल वर्जन के अंदर देखी थी। तो मैं सोचा था कि एटलीस्ट यहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू जो है थोड़ी सी अच्छी नजर आएगी, तो वो अभी तक एटलीस्ट टीजर लेवल पर तो दिखाई नहीं दी। बाकी पवन कल्याण और साई धर्म तेज की जोड़ी जो है अच्छी लग रही है, हालांकि इन दोनों के बीच की कोई बहुत कमाल का सीन टीजर के अंदर देखने को नहीं मिला है। कुछ छोटे मोटे सीन्स हैं जो कि इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहे हैं, जो चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान जो है लाने में कामयाब हो पाते हैं। बाकी अगर मैं कहूं तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस फिल्म के पास बेटर देन ओरिजिनल बनने का एक पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके अंदर जो कैरेक्टर है जो साई धर्म तेज यहां पे प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर काफी एक उम्र दराज कैरेक्टर है, 50 साल के ऊपर की उसकी एज है। तो वहां पर उस कैरेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं, उस कैरेक्टर के जो इच्छाएं हैं वो डिफरेंट होंगी, और यहां पे साई धर्म तेज थोड़ा सा यंग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी इच्छाएं, उसके गोल्स हैं, उसकी जो सोच है वो जो है उस कैरेक्टर से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो यहां पर ओरिजिनल से डिफरेंट बनाने का इस फिल्म के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसके अलावा त्रिविक्रम श्रीनिवास भी हैं जो कि इस फिल्म के राइटिंग में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनसे भी जो है काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो किस तरीके से हमारे पौराणिक चीजों को जो है फिल्म के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इस फिल्म के थीम के अंदर उसका भी एक बहुत ही अच्छा खासा स्कोप जो है यहां पर बन जाता है। बाकी ओरिजिनल वर्जन मैंने देखा है, मुझे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा था ऑनेस्टली कहना चाहता हूं। हां डेफिनेटली इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि फिल्म के थीम के अंदर वो जो सब्जेक्ट है, जो मैसेज ये फिल्म देने की कोशिश करती है ओरिजिनल में, उस
उसके पास एक पोटेंशियल है कि अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट किया जाए, अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट किया जाए और फिल्म जो है इमोशनली जो है कनेक्ट करने का पोटेंशियल रखती है। देखते हैं बाकी फिल्म का ट्रेलर वगैरह आता है तो कैसा आता है। वैसे आपको ये दोनों ही टीजर्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ अपकमिंग पैन इंडियन फिल्मों के नए रिलीज डेट के बारे में, जहां पर आज जो है हनुमान फिल्म के मेकर्स ने जो है अपनी फिल्म की नई और बहुत ही शॉकिंग रिलीज डेट को जो है अनाउंस किया हुआ है। जहां पर आपको बता दें कि ये फिल्म जो है अब इस साल रिलीज नहीं होगी, फिल्म को जो है सीधा यहां पर पोस्टपोन किया गया है 12 जनवरी 2024 को। जी हां, फिल्म जो है संक्रांति 2024 को थिएटर्स में पैन इंडिया लेवल या फिर कहें पैन वर्ल्ड लेवल पर रिलीज होती हुई नजर आएगी। अब 12 जनवरी की जो डेट है आप सभी को पता है कि इसी डेट पर ऑलरेडी महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम अनाउंस हो चुकी है। इसी डेट के आसपास जो है प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के अनाउंस हो चुकी है। इसी डेट पर जो है विजय देवरकोंडा की फिल्म भी जो है टारगेट करके बैठी है। इसी डेट पर कहा जा रहा है कि नानी 30 भी जो है यहां पर रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सी फिल्म फाइनली जनवरी के महीने में या फिर कहें संक्रांति के मौके पर हमें रिलीज होती हुई नजर आती है। हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि क्योंकि प्रोजेक्ट के का भी जो रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है जिसके अंदर कमल हसन का कास्टिंग अनाउंस की गई थी, तो उसके अंदर वहां पर डेट या फिर टाइम मेंशन नहीं किया गया था। तो कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी कमल हसन जो है फिल्म की शूटिंग को ज्वाइन करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि फिल्म जो है जनवरी तक बनके तैयार हो पाएगी, तो कह रहे हैं कि वो फिल्म जो है शायद पोस्टपोन हो सकती है। इसके अलावा इंडियन 2 के लिए भी पहले कहा जा रहा था कि संक्रांति को रिलीज होगी, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म अब सीधा समर 2024 को यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। तो कुछ फिल्में हैं, बड़ी फिल्में हैं जो पोस्टपोन हो सकती हैं। अगर प्रोजेक्ट के वालों ने अपनी फिल्म को उसी डेट पर रिलीज करवाने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली इसमें काफी सारी ऐसी फिल्में होंगी जो अपनी फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन कर ही लेगी, स्पेशली हनुमान फिल्म वाले तो कर ही लेंगे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में फाइनल डिसीजन या फिर फाइनल रिलीज डेट इन सभी फिल्मों का क्या निकल के आता है। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस किया गया है वो है कंगना रनौत और राघव लॉरेंस की अपकमिंग फिल्म यानी कि चंद्रमुखी 2 का। तो ये फिल्म जो है यहां पर गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज होने जा रही है। पैन इंडिया लेवल पर तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज होगी, जहां पर ये फिल्म क्लैश कर रही है राम पोतिनेनी और बॉयपटी शीनू की फिल्म और डीजे टिल्लू के सेकेंड पार्ट या फिर कहें टिल्लू स्क्वायर के साथ। तो काफी सारे बड़े बड़े क्लैशेस जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं इन क्लैशेस का फाइनल विनर जो है कौन बनता है। हालांकि मुझे जो है हनुमान की रिलीज डेट जो है थोड़ी सी शॉकिंग लगी। हाँ, ये पता है कि जितने भी बड़े रिलीज डेट्स हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, तो बड़ी रिलीज डेट जो है इन्हें नहीं मिल रही थी, तो अभी भी जो है वो किसी ना किसी के साथ क्लैश करने ही वाले हैं। तो इतना लंबा अगर ये पोस्टपोन कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई गंभीर कारण जरूर होगा। मे भी हो सकता है कि आदि पुरुष का ये इफेक्ट हो सकता है कि आदि पुरुष फिल्म को देखने के बाद जिन जिन चीजों पर यहां पर क्रिटिसिज्म हुआ है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद ये लोग अभी जो है पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर फिल्म के अंदर कुछ बदलाव करें या फिर कहें उसे और थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करें। जो भी हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है, अदरवाइज तो अभी रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा ही था कि जून के अंत तक फिल्म जो है एडिट होकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन लेने के बाद इतना लंबा अगर उन्होंने खींचा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा होगा और शायद हो सकता है कि और थोड़ा खर्चा भी जो है हो जाए। देखते हैं जो भी होगा, जो भी खबर आने वाले दिनों में मिलती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के एक अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही कुछ फिल्मों के बारे में, जहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई निखिल सिद्धार्थ स्टारर फिल्म यानी कि स्पाई के बारे में। तो कार्तिक 2 की सफलता के बाद निखिल सिद्धार्थ को जो पॉपुलैरिटी मिली थी, जो एक काइंड ऑफ उनकी अपकमिंग फिल्मों को हाइप मिल रहा है, उसका एक साफ साफ रिजल्ट जो है उनकी इस फिल्म यानी कि स्पाई फिल्म के डे वन कलेक्शन में साफ साफ नजर आता है, जहां पर स्पाई फिल्म जो है निखिल सिद्धार्थ की करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है। और ये ओपनिंग तब मिली है जब फिल्म के ट्रेलर को जस्ट कुछ दिनों पहले रिलीज किया गया, कोई बड़ा प्रमोशन कुछ नहीं किया गया, तब भी यहां पर निखिल सिद्धार्थ ने अपने करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग यहां पर ले ली है। बट क्या ये बड़ी ओपनिंग फिल्म को हिट का टैग दिलाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें यहां पर फिल्म के कलेक्शंस की, तो पहले दिन की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से फिल्म ने जो है अपने पहले दिन 4.28 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 6.85 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्ड वाइड बात करें तो पहले दिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 6.03 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 10.45 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए पहले ही दिन जो है अपने क्रिटिकल राइट्स का 32% जो है रिकवर कर लिया था। पर क्योंकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं और अब जो है यहां पर तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को टक्कर देने के लिए भी कुछ फिल्में आ चुकी हैं, तो उसका साफ साफ रिजल्ट जो है
दूसरे दिन के अंदर देखने को मिला, जहां पर दूसरे दिन जो ड्रॉप है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही आया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने जो है यहाँ पर दूसरे दिन पूरे 67% का एक ड्रॉप यहाँ पर दर्ज किया है। हालांकि 50-45% का ड्रॉप नॉर्मल ही रहता है, बट ये ड्रॉप जो है थोड़ा सा बड़ा है। जहां पर फिल्म ने दूसरे दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 1.40 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 2.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। और इसी के साथ साथ दो दिन का जो फिल्म का टोटल शेयर कलेक्शन बनता है वो है वर्ल्ड वाइड लेवल पर 7.88 करोड़ का, और जो ग्रॉस कलेक्शन बनता है वो है 13.75 करोड़ का। हालांकि इस बड़े से ड्रॉप के साथ और इस दमदार ओपनिंग के साथ फिल्म अभी भी एक ऐसे पोजीशन में है कि जहां से अगर फिल्म स्टेडी परफॉर्म करती है तो हिट का टैग हासिल कर सकती है, बट अगर आज सैटरडे को ये फिल्म और ज्यादा ड्रॉप लेती है तब कह सकते हैं कि फिल्म के लिए खतरे की घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तमिल बॉक्स ऑफिस की, तो तमिल बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में जो है काफी कमाल का परफॉर्म कर रही है। जहां पर आज से काफी दिनों पहले रिलीज हुई कह सकते हैं कि थ्रिलर फिल्म पोरतुड़ल जो है बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म को जो है बहुत ही लिमिटेड रिलीज मिला था, देखा जाए तो केवल तमिलनाडु के अंदर ही फिल्म को रिलीज मिला है, नॉर्थ में बहुत ही लिमिटेड शोज हैं। फिर भी आपको बता दूं कि फिल्म ने जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पर 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म यहां पर तमिल बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कमाल तरीके से परफॉर्म कर रही है वो है उदयनिधि स्टैलिन और फहद फासिल स्टारर फिल्म मामनन। इस फिल्म ने जो है देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड पहले दिन जो है 9 करोड़ का जो है यहां पर ग्रॉस कलेक्शन किया है। और इसी के साथ साथ फिल्म जो है उदयनिधि स्टैलिन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म जो है बन चुकी है। आप में से शायद काफी कम लोगों को ही पता होगा, पर नहीं पता है तो बता देता हूं कि ये फिल्म जो है उदयनिधि स्टैलिन की लास्ट फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के बाद वो फुल टाइम पॉलिटिक्स के अंदर चले जाने वाले हैं, तो ये उनकी लास्ट फिल्म है। इस फिल्म के पीछे की स्टोरी को अगर थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो ये फिल्म मारी सेल्वराज की कोई रीसेंट प्लानिंग के अंदर नहीं थी। मारी सेल्वराज जो है ध्रुव विक्रम के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे, बट उदयनिधि स्टैलिन ने जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए एक फिल्म बनाइए, तो है ना उन्होंने ये फिल्म बनाई। उन्होंने कहा जाता है कि ध्रुव विक्रम या फिर कहें चियान विक्रम से परमिशन ली कि उनकी फिल्म को थोड़ा सा डिले किया जाएगा, धनुष से थोड़ी सी परमिशन ली कि उनकी फिल्म को थोड़ा सा डिले किया जाएगा, और इसी बीच में जो है उदयनिधि स्टैलिन की फिल्म पर काम किया जाएगा। तो इतना सब होने के बाद इस फिल्म को बनाया गया और देखा जा रहा है कि फिल्म को जो है थिएटर्स में अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं प्रभास की अपकमिंग फिल्म के बारे में, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं मारुति। तो इस फिल्म से रिलेटेड एक अपडेट यहां पर निकल के आई है, जहां पर अगर आपको पता हो तो काफी समय पहले इस फिल्म का एक टेंटेटिव टाइटल या फिर वर्किंग टाइटल सामने निकल के आया था, जहां पर कहा जा रहा था कि फिल्म का टाइटल जो है राजा डीलक्स रखा जा रहा है, जिस पर जो है फैंस लोगों ने काफी ज्यादा आपत्ति जताई थी कि प्रभास जैसे स्टार के लिए इस टाइप का टाइटल सूट नहीं करता है। तो कहा जा रहा है कि यहां पर अभी रिसेंटली जो है प्रोडक्शन हाउस ने एक नया टाइटल जो है रजिस्टर किया है और वो टाइटल है एम्बेसडर। अब ये टाइटल इसी फिल्म के लिए है फिर और किसी फिल्म के लिए ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट कहा यही जा रहा है कि ये टाइटल जो है इसी फिल्म के लिए ही रजिस्टर किया गया है। फिल्म के अंदर कहा जा रहा है कि एक कार होगी, पुरानी विंटेज कार होगी, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर फिल्म के अंदर होने वाला है। तो मे भी हो सकता है कि ये टाइटल इसी फिल्म के लिए दिया हो। वैसे ये टाइटल अगर आप प्रभास के फैन हो तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो आप सभी को काफी बार मैं बता ही चुका हूं, तो पता ही होगा कि अल्लू अर्जुन की जो अगली फिल्म होने वाली है पुष्पा 2 के बाद वो डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ होने वाली है। दरअसल इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट है वो इसी वीकेंड में होने वाली थी, अभी जो है आज सैटरडे है, कल संडे है, तो हो भी सकती है, बट कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है संडे नहीं तो मंडे तक होती हुई हमें नजर आएगी। जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है त्रिविक्रम श्रीनिवास के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है। यहां पर डायरेक्टर साहब ने बहुत बड़ा कुछ प्लान किया है, काफी लंबे समय से वो इस फिल्म पर काम कर रहे हैं, ऐसा जो है सोर्सेस के द्वारा बताया जा रहा है। तो देखते हैं इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट होती है क्या उसके अंदर कुछ धमाकेदार हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो यही समझे कि उसी फिल्म के साथ त्रिविक्रम श्रीनिवास जो है पैन इंडिया लेवल पर अपनी एंट्री करेंगे। बाकी गुंटूर कारम मुझे नहीं लगता है कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी, यहां पर अल्लू अर्जुन के साथ ही वो अपना पैन इंडिया डेब्यू करेंगे। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सूर्या की अपकमिंग फिल्म यानी कि कंगुआ फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि कंगुआ के बाद सूर्या जो है फिर से डायरेक्टर शिवा के साथ काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि शूटिंग के बीच में डायरेक्टर शिवा और यहां पर सूर्या के बीच में जो है एक अच्छे खासी बॉन्डिंग और दोस्ती यहां पर बनी है, और वो लोग जो है जल्दी एक और फिल्म प्लान कर रहे हैं सेम इसी प्रोडक्शन हाउस के अंडर जो है वो एक और फिल्म बनाएंगे। अब वो फिल्म कंगुआ 2 होती है या फिर कोई और फिल्म होती है इस पर क्लैरिफिकेशन जो है हमें जो है कंगुआ के रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है मोहनलाल जी से। तो अभी जो है
कल मोहनलाल जी को जो है वायरफ स्टूडियो के बाहर जो है यहाँ पर देखा गया था, जहाँ पर उसके बाद से ही जो है इस चीज पर कंफर्मेशन मिल चुका है कि मोहनलाल जी जो है जल्दी एक बहुत ही मेगा बजट फिल्म के अंदर हमें नजर आने वाले हैं, जिसका टाइटल रखा गया है वृषभ। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को जो है वो एकता कपूर के कोलैबोरेशन में बनाने वाले हैं। एकता कपूर फिल्म के हिंदी वर्जन को जो है यहाँ पर हैंडल करने वाली है, और अभी जो है फिल्म की बाकी स्टारकास्ट को लेकर कोई भी जो है कंफर्मेशन नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि रिसेंटली जो है फोटो शूट किया गया है और फिल्म का एक अनाउंसमेंट टीजर भी जो है डब भी किया गया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस फिल्म पर अपडेट जो है क्या और किस तरीके से निकल के आती है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं कुछ अपकमिंग हिंदी डब फिल्मों के बारे में, जहां पर ऐश्वर्या और राजेश की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि फरहाना जो है आपको 7 जुलाई को सोनी लिव पर देखने को मिलने जा रही है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट में हिंदी वर्जन का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, बट यहां पर मेरे हिसाब से हिंदी वर्जन भी जो है आपको वहीं पर सोनी लिव पर ही देखने को मिल जाएगा। मैं पर्सनली इस फिल्म को देखना चाहता था जब फिल्म थिएटर में लगी थी, पर यहां पर मुझे देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि फिल्म के जो डायरेक्टर है उनकी जो पिछली फिल्म थी मॉन्स्टर नाम की, जो कि मैंने एक बार बेस्ट कॉमेडी फिल्म के अंदर भी उसे मेंशन किया हुआ था, तो वो उनका काम मुझे उस टाइम बहुत पसंद आया था। तो मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं उनकी इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी आपको जो है 3 जुलाई को जो है रिसेंटली रिलीज हुई तमिल सुपरहिट फिल्म यानी कि गुड नाइट भी जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म को जो है तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली रिलीज हुई अल्लारी नरेश की फिल्म उग्रम, इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग है उसे जो है कंप्लीट करवा लिया गया है। एडिवाइस डिजिटल मीडिया ने फिल्म की हिंदी डबिंग को कंप्लीट करवाया है। देखते हैं वो कब तक इस फिल्म को रिलीज करवाते हैं। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का फिल्म टॉक का ये एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।